हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, ये चैनल का अंदर आप टीवी रिपेयरिंग एंड मोबाइल प्रॉब्लम का ऊपर सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो मोबाइल के ऊपर मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ। आज ये वीडियो के अंदर आपको देखूँगा कि कुछ भी एंड्रॉयड फ़ोन हो सकता है, उसका अंदर प्ले स्टोर से कुछ भी ऐप इंस्टॉल नहीं होगा तो, और कुछ भी ऐप अपडेट नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा। तो आप खुद ही देखिए, मैं एक टेलीग्राम ऐप को अपडेट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, बट दोस्तों ये ऐप अपडेट नहीं हो रहा है, इस तरह घूमने लगता है। मन में लगता है कि ये नेटवर्क प्रॉब्लम है, बट दोस्तों ये नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बार इस तरह ट्राई करने के बाद कुछ भी ऐप अपडेट नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये टेलीग्राम ऐप है, आप खुद ही देखिए, मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ किस तरह इसका सिम्टम है। तो चलिए, मैं अभी इसी टाइम एक न्यू ऐप इंस्टॉल करने के लिए कोशिश करूँगा। तो चलिए, मैं यहाँ पर फायर ऐप को इंस्टॉल करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, बट दोस्तों देखिए ये ऐप भी इंस्टॉल नहीं हो रहा है। तो इसी तरह ये घूमने लगता है, तो इसी तरह इसका सिम्टम है। तो ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है? तो दोस्तों, दो तरीका से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। एक फ़ोन का सेटिंग ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अलग अलग फ़ोन होगा तो तरीका अलग हो जाएगा थोड़ा। बट दोस्तों, आपको एक न्यू ट्रिक, न्यू तरीका दिखाऊंगा ये वीडियो के अंदर। तो फ़ोन को फर्स्ट मैं ये फ्रेश कर देता हूँ, आप ये कर सकते हो, नहीं करेगा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको स्क्रीन के अंदर जो प्ले स्टोर ऐप है उसको थोड़ा दबा के रखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों ऐप इन्फो पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐप इन्फो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो ऐप का अंदर सिस्टम है, जो स्टोरेज, ये जो ऑप्शन है यूज़र स्टोरेज यूज़र पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद क्लियर डाटा पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लियर डाटा पर क्लिक करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा ही दिखाता हूँ किस तरह आपको करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों क्लियर पर एक बार क्लिक करना पड़ेगा। तो इस तरह मैं किया, करने के बाद क्या होगा कि ये जो प्ले स्टोर है न्यू जैसा हो जाएगा, मतलब न्यू फ़ोन खरीद करने का समय जिस तरह था इसी तरह। बट दोस्तों, इसका अंदर आपका जो जीमेल है वो स्टोर रह जाता है, आपको जीमेल स्टोर रहना चाहिए। जीमेल एक्टिव नहीं होगा तो प्ले स्टोर काम नहीं करेगा, ठीक है? तो जीमेल यहाँ पर एक्टिव है, बट ये न्यू जैसा इस तरह हो गया। तो उसका बाद इसी टाइम आप कुछ भी आपको आसानी से अपडेट और इंस्टॉल कर सकते। चलिए, मैं टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल में करके ही रखा हूँ बहुत दिन पहले, अभी इसी टाइम एक बार अपडेट करके दिखाता हूँ अपडेट हो रहा है कि नहीं, ठीक है दोस्तों? देखिए, अपडेट ऑप्शन आ गया और उसके बाद मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं क्लिक किया और ये अपडेट जरूर होना चाहिए, बट दोस्तों मेरा नेटवर्क तो आउट हो गया। क्यों हो गया, क्या बात, मेरा नेटवर्क क्यों आउट हो गया? लगता है जरूर एक फ़ोन आने लगता है, तो इसी तरह हो सकता है। तो चलिए देखिए दोस्तों, इसी तरह एक फ़ोन आ गया, सॉरी दोस्तों। चलिए, मैं ये फ़ोन को मैं कट करके आपको दोबारा दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, फ़ोन को मैं कट कर दिया, तुरंत देखिए ये टेलीग्राम ऐप फिर भी अपडेट शुरू हो गया। तो इसी तरह ये अपडेट हो जाएगा। तो चलिए, कोई बात नहीं, नेटवर्क अभी थोड़ा स्लो है तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, मैं आपको कंप्लीट करके ही दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों? तो ये पूरा सच इन्फॉर्मेशन आपका साथ शेयर किया। और एक तरीका है जो आपको सेटिंग ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। सेटिंग ऑप्शन पर जाने के बाद इस तरह वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, बट दोस्तों सेटिंग मैं क्यों नहीं आपको दिखाया, क्योंकि अलग अलग फ़ोन का अंदर सेटिंग्स पर इनपुट होने का अलग अलग ऑप्शन होता है, तो दिखाने के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। और तो इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका आपको दिखाया। फर्स्ट आपको प्ले स्टोर ऐप को थोड़ा सा दबा के रखना पड़ेगा, रखने के बाद जो दो ऑप्शन आएगा तो वीडियो को आप फिर भी एक बार प्ले करके देख सकते हो जिस तरह मैं आपको दिखाया, ठीक है दोस्तों? तो आप खुद ही देखिए, ये जो ऐप अपडेट हो गया। तो इसी तरह आप न्यू ऐप इंस्टॉल कर सकते हो आसानी से। थैंक यू दोस्तों।